आज आप और हम लोग मिलकर कर रहे हैं। मालेगांव शहर हमेशा दुनिया में या हमारे मुल्क में जहां भी अगर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और ये शहर की परंपरा रही है। लेकिन ना जाने कई दिनों से इसराइल गजा पट्टी के ऊपर बमबारी कर रहा है, दहशत फैला रहा है, आतंकवाद कर रहा है, लेकिन हमारे शहर से आवाज नहीं उठ रही थी। हम जिंदा कौम है, हम मुर्दार नहीं है और हमको यहां एहतजाज दर्ज करना इसराइल के खिलाफ, इसराइल की मुजम्मत में, इसराइल के आतंकवाद के खिलाफ आज का हमारा ये धरना और आंदोलन है और हम लोग मेमोरेंडम आज देने वाले हैं। चैनल के ऊपर या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर दो बातें सामने आ रही है। हमारे देश के जो सरकार है, भारत सरकार, हमारे पंत प्रधान जी ने कोई ट्वीट किया, बाद में विदेश मंत्रालय ने उसकी सफाई भी दी। शायद उनको याद आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के पंत प्रधान रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, भारत सरकार और हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन की आवाम के हक में और गजा पट्टी फिलिस्तीनियों का हक है इसके लिए हमेशा हमारी पॉलिसी रही है। हम सिर्फ हमारी भारत सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं कि देश की विदेश नीति बदल गई क्या? क्या संसद के अंदर कोई कायदा पास हो गया क्या? अगर हुआ है तो देश की आवाम के सामने वैसी बात आप रखो, और अगर नहीं हुआ है तो भारत सरकार से हमारी गुजारिश है, भारत सरकार से हमारी विनती है कि फिलिस्तीन आवाम के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ आपको खड़े रहना है। यह हमारी गुजारिश है। यह मेमोरेंडम हम आज एडिशनल कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति महोदया को देने वाले हैं।